Hello, everyone. सभी को जय मसीह की। It's good to see you again through this YouTube. इस YouTube के जरिए आपको देखकर खुशी हुई। How are you today? आप कैसे हैं? I hope you had a wonderful day today by the grace of God. मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर की कृपा के अनुसार आपका आज का दिन अच्छा गया हो। Did you do the work today? क्या आप सबने आज काम किया? If you don't have any work, please come to church. अगर आपके पास आज के दिन कोई काम नहीं है तो आप कृपया चर्च से जरूर आओ। Now the church is open for foreigners in the morning. शनिवार के दिन सुबह सभी के लिए जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए चर्च खुला हुआ है। We have a worship on Saturday 10:30. हम जो इबादत है वो करते हैं शनिवार को सुबह 10:30 बजे। So if you like to join, we will welcome you. अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। Okay, now let's start of today's worship. आइए आज की इबादत को शुरू करते हैं। Please, I will pray for us. मैं दुआ करता हूँ आपकी। यहोवा पाक खुदा, आपका शुक्र करते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया है। और जी, आज इबादत करने का मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। और आपने आज तक हमें संभाल कर रखा है, हमें तंदुरुस्त रखा है, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। प्रभु जी, अभी हम आपका वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारे दिलों को, मनों को, हमारे कानों को खोल दीजिए ताकि अच्छे से सुनकर समझकर इस वचन को हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। और हमें बहुत सारी बरकत दें, हमारे परिवारों को भी बहुत सारी बरकत दें। और जिन लोगों के पास काम नहीं है, आप उनके लिए काम का इंतज़ाम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबको ब्लेस करते हैं। आइए हमारी दुआ को सुनें और कबूल करें। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। Okay, today let's start with one story. आज एक कहानी के जरिए हम शुरू करेंगे। Will you read it for us? पहला, लुका की इंजील 1:8-12। जब जकरिया के समुदाय के मंदिर में याजक के कान की बारी थी और वह परमेश्वर के सामने उपासना के लिए उपस्थित था, तो याजकों में चली आ रही परंपरा के अनुसार पर्ची डालकर उसे चुना गया कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जब धूप जलाने का समय आया तो बाहर इकट्ठे हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय जकरिया के सामने प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ। वह धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। जब जकरिया ने उस दूत को देखा तो वह घबरा गया और भय ने जैसे उसे जकड़ लिया हो। Okay, today we will talk about Zechariah. आज हम जकरिया के बारे में बात कर रहे हैं। He was kind of a pastor in old time. जकरिया पुराने समय में एक पास्टर यानी पादरी के तौर पर काम करता था। He went in the church, sort of. और वो चर्च में गया। And then he started praying. और उसने दुआ करना शुरू किया। But in his praying, there was one bright light comes out from his face. I mean, in front of him. और जब वो दुआ कर रहा था तो उसके सामने एक बहुत सारी चमकती हुई रोशनी उसके चेहरे पर आई। He saw and there was an angel. और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। My friends, when we draw an angel, sometimes we draw beautiful woman. जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी स्वर्गदूत को तो हम एक बहुत खूबसूरत सी औरत बनाते हैं। With white clothes and then beautiful wing. सफेद कपड़ों के साथ बहुत सुंदर पंख बनाते हैं। When we draw an angel with a man figure, also very handsome and white cloth and also white wing. और जब हम वही स्वर्गदूत को एक आदमी के रूप में बनाते हैं तो उसे बहुत हैंडसम और पंखों के साथ सफेद कपड़ों में बनाते हैं। Sometimes we draw also an angel with baby figure, kids. और हम स्वर्गदूतों को कई बार छोटे बच्चों के रूप में उनका चित्र बनाते हैं। Still has a young and harmless and beautiful and lovely. और वो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होते, वो छोटी उम्र के होते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। So these kind of angel figure that we imagine and lots of pictures in these days, and when we see that, that's beautiful and make us happy. और हम ऐसे ही स्वर्गदूतों के ऐसे ही रूप हम आज की दुनिया में फोटोज में, पिक्चर्स में देखते हैं जो कि हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। But today in the story, Zechariah saw an angel and the first reaction was very surprised and
scared. और आज की इस कहानी के अनुसार जब जकरिया ने स्वर्गदूत को देखा तो उसका जो पहला भाव आया वो था घबराने का, क्योंकि वो देखते ही स्वर्गदूत को घबरा गया था. Okay, surprise, we understand. और वो सरप्राइज हो सकता है, इससे हम समझ सकते हैं. Because the angel was, you know, appeared from nowhere. क्योंकि अचानक से स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हो गया बिना किसी जानकारी के. Zechariah didn't expect. May he have angel seen in the church. और जकरिया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वो चर्च में जो स्वर्गदूत है उसे देख लेगा. But scared? वो डर गया. Why does he scare? वो क्यों डर गया? You know, because that's our basic instinct. और वो हमारा जो जो बेसिक हमारा भाव है वो होता है. That's a human being. वही इसे ही इंसान कहते हैं. Our life is full of scaredness. क्योंकि हमारी जिंदगी भय से भरी हुई है. We are afraid of everything. हम हर एक चीज से डरते हैं. In our imagination, when we think about future, there is only afraidness. जब हम हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं तब भी हम डरते हैं. My friends, have you ever heard this word will be warmed and increase the temperature and gonna be extinct and finally? और क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक, या आपने कभी ऐसा सोचा होगा, आपके अंदर सोचा ही होगी कि एक दिन इस दुनिया का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी इसकी वजह से. Have you ever some scientists made the meteor strike will come to earth and we will kill us all? और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ बाहर की दुनिया से लोग आएंगे जो आकर हमें मार डालेंगे. क्या आपको कभी इससे डर लगा? Have you ever seen any movies, some kind of aliens come invaded the earth and destroy everything? आपने कभी ऐसी मूवी देखी हो जिसमें एलियंस आ रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया और पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली? When we think of a future, people think there is a threat. जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारे अंदर ये इस पहली सोच आती है कि हमें डर लगता है, अपने कोई हमारे लिए दिक्कत हो सकती है भविष्य में. Let's think about our personal life. हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में. Some people, you know, some person make lots of saving account. और कुछ लोग बहुत सारे सेविंग अकाउंट बनाते हैं. And if you ask why, he must be asked, we don't know the future, I'm preparing the future. और जब आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों, आप क्यों बचत खाते बना रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि मुझे अपने भविष्य के बारे में चिंता है, मैं अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता हूँ इसलिए. I need this money for making my heart is comfort. ताकि मैं अपने दिल को संतुष्ट कर सकूं, इसलिए मैं इस पैसे को बचा रहा हूं. Could be there is a great sickness on me a few years after, then for surgery I need the money. और वो सोचते हैं कि आने वाले समय में मैं कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझे जगड़ सकती है और मुझे किसी भी तरह की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत हो सकती है. Could be there is a car accident next week, then so I need to pay, so I need to get money. और अगले हफ्ते ही कोई कार एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे पे करने पड़ सकते हैं अस्पताल में, तो इसलिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ. And now these days lots of people have insurance. और आजकल बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस भी है. इंश्योरेंस कंपनी इज वेरी वैरायटी एरिया हैज. और इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज हैं. दे कैटेगराइज पर्सन पीपल्स वरीज. इंश्योरेंस उन्होंने लोगों की जरूरतों को देखते हुए भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया है. देयर इज इंश्योरेंस ऑफ योर डेथ. और वो एक तरह की इंश्योरेंस होती है जो आपकी मौत के बाद मिलती है. There is insurance when you are a disabled person, like by accidents, paying your life money, money for life. और एक्सीडेंट के बाद मान लो अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसके लिए अलग से इंश्योरेंस होती है. There is even the insurance for your teeth. और आपके दांतों की इंश्योरेंस अलग होती है. So, do you feel now lots of worryness and afraidness filled in our life? आप क्या अभी इसका एहसास कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं और खतरा हमारी जिंदगी में बना रहता है? Now listen what the heavenly angel, our Jesus Christ, asked those who are worried. और जो लोग चिंता में रहते हैं उनके लिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु
क्या कहते हैं उसमें हम देखेंगे। Would you read number two? नंबर दो पढ़ूंगी। लुका की इंजील एक अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, जकरिया डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए तेरी पत्नी इलीशेबा एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम योहन्ना रखना, वह तुम्हें तो आनंद और प्रसन्नता देगा ही, साथ ही उसके जन्म से और भी बहुत से लोग प्रसन्न होंगे। Angel, first time he said, don't be afraid. स्वर्गदूत ने जकरिया को कहा कि डरो मत। Actually, Jesus also have repeated in his life also to his disciples. और यीशु ने भी अपने शिष्यों को अपनी जिंदगी में बहुत बार इस बात को दोहराया था। Jesus said to his disciples, don't be afraid, it's me. अपने शिष्यों को यीशु ने कहा था कि डरो मत, ये मैं हूँ। And the angel said to Zechariah, now don't be afraid, Zechariah. और अभी जो स्वर्गदूत है वो जकरिया से कहता है, जकरिया मत डरो। I have a good news for you. मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। My friends, this is the news comes from heaven always. We can listen. और यह वही खबर है जो हमेशा हम सुनते हैं, स्वर्ग से आई है। You know, there is a radio. If you have a radio, अगर आप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, तो there is a you know frequency you need to write on it and listen. और उसमें एक frequency होती है जो आपको सही तरीके से सेट करनी होती है, तो हाँ आप सुन सकते हैं। If you take the frequency about the word radio station, you can listen only the worriness and scariness and about bad news. जब आप वो frequency world radio station पर सेट करते हैं, तो आप उसके उसके आप आपको बहुत सारी खबरें जो चिंता भरी हैं, डर भरी हैं, सुनाई देंगे। But when you hit the heavenly frequency, you will always listen the encouraging word and ask, "Don't be afraid." लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी जो स्वर्ग से आ रही फ्रीक्वेंसी है वो लगाएं, तो आप हमेशा अच्छी खबरें और खुशी भरी खबरें ही सुनेंगे। There will be always a cheerful songs and make you energetic with the word. और आपको तसल्ली देने वाले गीत और जो आपको और भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करें, ऐसी बातें आपको सुनाएंगे। Let's think about the number two again. Then he said, Elizabeth, your wife, will give you a son. His name is John. नंबर दो के बारे में एक बार फिर से सोचेंगे, देखते हैं क्या लिखा है। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी इलिशबा एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम होगा योहन्ना। He says, you will be delight and be happy. और वो कहता है कि तुम खुशी और प्रसन्नता से भरे रहोगे। And because of him, many people will around of you will happy too. और उस बच्चे की वजह से आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। My friend, God wants us be happy and delight in our life. मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खुश रहें। Turn on your Facebook and there watch on the news things. There is always a bad news. आप जब अपना Facebook चलाएं और आप कोई न्यूज चैनल उस पर खोलें, तो वहां पर ज्यादातर बुरी खबरें ही सुनने को मिलेंगी। Someone has died and there is an accident. There is breaking. कोई मर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पे तोड़फोड़ हो रही है। And sometimes I watch the Indian news. There is a fighting between what's that, Pakistan, yeah. कई बार मैं भारत में चल रही खबरें भी सुनता हूँ और देखता रहता हूँ कि कैसे पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई चलती रहती है। So, my friend, we need to open our eyes to the news of heaven. हमें अपने आँख और कान स्वर्ग की खबरों की तरफ लगाना चाहिए। And here says, when the person who listened the good news will make all people around will make happy too. और जो उस जकरिया को उसने कहा कि वो बच्चा तुम्हें ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी खुशी देगा। My friend, if you become the one who listens the heavenly news, you will make your family and around of you, your friends and your co-worker will make happy. और अगर आप भी वो खबर सुनते हैं, तो आप अपने परिवार, दोस्तों और अपने काम करने वाले लोगों के साथ खुशी बांट सकते हैं। Let's go with number three. आइए नंबर तीन पढ़ेंगे। लुका की इंजील एक अध्याय 15 और 16। क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, वह कभी भी किसी दाखरस या किसी भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा,
अपने जन्म काल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इसराइल के बहुत से लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटने को प्रेरित करेगा। ओके, नाउ स्पेसिफिकली सेज डोंट बी ड्रंकन, और यहाँ पर खास तौर पर कहा गया है कि आप शराबी मत बने। माय फ्रेंड्स, आर यू ड्रिंकिंग अल्कोहल? मेरे दोस्तों, क्या आप अल्कोहल पी रहे हैं? इफ यू डू सो, यू कैन नाउ लिसन द गुड न्यूज़ ऑफ हेवन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वर्ग की किसी भी खबर को, अच्छी खबर को नहीं सुन सकते। इजंट आयरोनिक? इट काइंड ऑफ इज आयरोनिक बिकॉज़ पीपल थिंक ड्रिंकिंग विल गिव देम जॉय एंड हैप्पीनेस, बट व्हेन दे ड्रंकन They can now listen the good news, joyful news from heaven. लोग सोचते हैं कि शराब पीने से, अल्कोहल पीने से उनको वो अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन असल में पीने के बाद वो स्वर्ग की इस खुशखबरी को नहीं सुन सकते। And I really don't know that's happened, but I've got a question. Is there anyone be happy because you are drunken? मैं वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पीने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, आपको खुशी होती है? Could you make anyone happy or delighted by your drinking alcohol? क्या आप पीने के बाद आसपास के लोगों को खुश कर सकते हैं? Does it make your family happy? क्या आपके परिवार को ये चीज खुशी देती है? My friends, the heavenly news will make that happen. लेकिन जो स्वर्ग की खुशखबरी है, जो खबर है, वो इस चीज को आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार को खुशी जरूर देगी। That's why the message says, instead of drunken by alcohol, be full by Holy Spirit. और इसलिए बाइबल कहती है कि शराब पीने से अच्छा है कि आप स्वर्ग की खबरों से भरे रहें। My friend, Holy Spirit will tell you the good news of heaven. मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग की खबर देगा। This time, after all this sermon, we'll pray, may the Holy Spirit fill our heart and life fully. इस वचन के खत्म होने के बाद हम दुआ करेंगे कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें स्वर्ग की खबरों से भर कर रखे। If you pray with us together, I believe God will give you Holy Spirit and through that will make you happy and around the people of you will be happy, your family, even your family. अगर आप इस प्रार्थना पर विश्वास करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, पवित्र आत्मा के जरिए आप दूसरे लोगों को खुश रख सकें। Let's go to number 4. आइए नंबर 4 पढ़ेंगे। लुका की इंजील 1:17-18, वे एलिया की शक्ति और आत्मा में स्थित हो प्रभु के आगे आगे चलेगा। वे पिताओं का हृदय उनकी संतानों की ओर वापस मोड़ देगा और वह आज्ञा ना मानने वालों को ऐसे विचारों की ओर प्रेरित करेगा जिससे वे धर्मियों के जैसे विचार रखें। ये सब वह लोगों को प्रभु की खातिर तैयार करने के लिए करेगा। तब जकरिया ने प्रभु के दूत से कहा, मैं ये कैसे जानूं कि ये सच है, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। Here's one person who filled with the Holy Spirit. यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। That person can do the heart of Father to turn to the kids. और वही व्यक्ति है वो पिताओं का दिल जो है वो उनकी संतानों की ओर मोड़ देगा। My friends, I really want this thing happen. मैं सच में चाहता हूँ कि ये चीज हो। You know, if you see the news in Korea right now, it's really a positive. अगर आप कोरिया की खबर सुने तो अभी जो स्थिति है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। Father kills son. पिता अपने बेटे को मार देता है। Son kills mother. और जो बेटा है वो अपनी माँ को मार देता है। Mother kills father. और जो माँ है वो पिता को मार देती है। There's a lots of sad news in Korea right now. बहुत सारी बुरी खबरें हैं, उदासी भरी खबरें हैं कोरिया में। Seems like our heart of a family is broken into small pieces. और ऐसा लगता है कि हमारा दिल और परिवार छोटे छोटे जो पीसों में कट चुका है। Is that happening also in India too? क्या ये इंडिया में भी हो रहा है? Yes. So there should be someone who turns that people's heart to each other in love. तो इसीलिए कुछ लोग होने चाहिए जो उनके बीच में प्यार को बढ़ा सके। My friend, if there is crack
in your family relationship, you need Holy Spirit. अगर परिवार में दरार आ गई है तो उसे भरने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. If you have a good relationship with your own kid, with your own wife, but cousins or grandfathers or grandson, if you have a broken relationship, please remember, you need the goodness of heaven. अगर आपका रिश्ता आपकी पत्नी अपने बच्चों से अच्छा है, लेकिन आपके cousins और आपके जो दादा दादी या फिर चाचा चाची जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि आप उस रिश्तों को अच्छा बना सकें. नंबर 5, नंबर 5 पढ़ेंगे लुका की इंजील 3:3-6. सो यर्दन के आसपास के समूचे क्षेत्र में घूम घूम कर वह पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के हेतु बपतिस्मा का प्रचार करने लगा. भविष्यवक्ता यशाया के वचनों की पुस्तक में जैसा लिखा है, किसी का जंगल में पुकारता हुआ शब्द, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी करो. हर घाटी भर दी जाएगी और हर पहाड़ और पहाड़ी सपाट हो जाएंगे. टेढ़ी मेढ़ी और उबड़ खाबड़ राहें समतल कर दी जाएंगी और सभी लोग परमेश्वर के उद्धार का दर्शन करेंगे. Now John, it's grown up. अभी जो योहन्ना है वो बड़ा हो गया है. At first time in the number four, John was just I can say made it up. और जो नंबर 4 तक हमने पढ़े हैं वहां तक योहन्ना अभी गर्भ में ही था. Now many years after this number 5. और नंबर जो 5 है वो बहुत साल बाद की बात हो रही है. John was born and he went through the childhood. Now he is grown up. और योहन्ना का जन्म हो गया था इसके बीच में और फिर वो बड़ा हुआ और अभी वो जवान हो गया. As the angel said about John's life, John is full of goodness of heaven now. योहन्ना अभी पूरी तरीके से खुशखबरी बन चुका था. Now he opens his mouth and share the good news to the people. और अभी वो अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की इस खुशखबरी को दूसरे लोगों में बांट रहा है. The first good news is there is where you can be forgiven. और पहली जो खुशखबरी है वो है कि एक रास्ता है जहां पर जिसके जरिए आप लोगों को माफी मिल सके. If you have sinned, there is a way you can fix it. अगर आपने पाप किया है तो एक रास्ता है जिसके जरिए आपको क्षमा किया जाएगा. Whoever comes to Jesus, whoever baptized, accept the baptism will be forgiven. जो लोग भी यीशु को स्वीकार करकर उसके नाम पर बपतिस्मा लेंगे वो बचाए जाएंगे. Okay, let's on our 6. नंबर 6 पढ़ेंगे लुका की इंजील 3:10-14 तक. तब भीड़ ने उससे पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर में उसने उनसे कहा, जिस किसी के पास 2 कुर्ते हों वह उन्हें जिसके पास ना हो उनके साथ बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे. फिर उन्होंने इससे पूछा, हे गुरु हमें क्या करना चाहिए? इस पर उसने उनसे कहा, जितना चाहिए उससे अधिक एकत्र मत करो. कुछ सैनिकों ने इससे पूछा, और हमें क्या करना चाहिए? सो उसने ने बताया, बलपूर्वक किसी से धन मत लो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, अपने वेतन में संतोष करो. So John says the second good news now. अभी योहन्ना दूसरी खुशखबरी बता रहा है. The people asked John. आप जो लोग हैं वो योहन्ना से पूछ रहे हैं. What should we do? हमें क्या करना चाहिए? Those people was the person who has 2 cloth in the closet. और जो वो लोग थे जिनके पास 2 कपड़े थे उनके अलमारी. Among them there was a tax collector. और उनके बीच में कुछ टैक्स कलेक्टर थे. Among them there was a soldier who used to taking the things from the people. और कुछ सैनिक भी थे जो दूसरों से चीजें लेते थे. So and John said, don't take more than you deserve. और योहन्ना कह रहा है कि जितना तुम डिजर्व करते हो उससे ज्यादा मत लो. Don't be greedy that you know with more than ability of you. और लालची मत बनो और जितना तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा लेने की कोशिश मत करो. Even share that you have. और जो तुम्हारे पास है उसे भी शेयर करो. It's good news, my friend. ये एक खुशखबरी है. Why? क्यों? Because this sentence made by based on God's providing. क्योंकि ये जो परमेश्वर जो
हमें देते हैं उस पर ये बात कही गई। It's promised that God will provide what you need, so you don't need to take more than you can do it. और इसके इसका मतलब है कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए परमेश्वर आपको मुहैया करेंगे, तो आपको जरूरत से ज्यादा चीजें लेने की जरूरत नहीं। God will bless your life. God will protect your life. This is good news. So don't try to collect more money for your future. परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए चिंता करते हैं, वही आपको मुहैया करवाएंगे, तो हद से ज्यादा लेने की कोशिश ना करें। John is asking to the person who has two clothes. और जिन लोगों के पास दो कपड़े थे उनसे भी यूहन्ना कह रहा है, Why do you have two clothes? क्यों आपके पास दो कपड़े हैं? This person will say, because I worry about future. और ये व्यक्ति कहेगा कि मैं अपने भविष्य के बारे में चिंता करता हूँ। I have one cloth. मेरे पास एक कपड़ा है। If somebody take this cloth, then I will be naked. अगर कोई ये कपड़ा भी ले लेता है तो मैं नंगा रहूंगा। For preparing that situation, I need to have one more. तो ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए मैंने एक और कपड़ा अपने पास रखा हुआ। And John says, God will protect you. That will never happen to you. और लेकिन यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा। If you don't need that one more by God's protection, better you share it with other people. और अगर आपको परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हुए उसकी जरूरत नहीं है, तो आप अपने जो है आपके पास अलग से पड़ा हुआ कपड़ा उसको दूसरों के साथ शेयर करें। Now John asking the people, don't worry about your future. अभी यूहन्ना लोगों से कह रहा है कि अपने भविष्य के बारे में चिंता ना करें। Don't scare anything more about. और आप चिंता ना करें कि आपके पास ज्यादा नहीं। He's asking, trust God, God will help you. वो कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपकी मदद करें। Let's go to last message number 7. नंबर 7 को पढ़ेंगे। लुका की इंजील उसका 3:16-18। तभी यूहन्ना ने ये कहते हुए उन सबको उत्तर दिया, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मुझसे अधिक सामर्थ्यवान है आ रहा है, और मैं उसके जूतों की तनी खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि द्वारा बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में फटकने की डांगी है, जिससे वह नाच के भूसे से अलग कर अपने खलिहान में उठा कर रखता है, किंतु वह भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी नहीं बुझने वाली। इसी प्रकार ऐसे ही और बहुत से शब्दों से वह उन्हें समझाते हुए सुसमाचार सुनाया करता था। In last sentence, in Korean version, there is a good news. और जो कोरियन वर्जन है उसमें आखिरी जो वाक्य है उसमें खुशखबरी के बारे में लिखा। John shared the good news. और जो यूहन्ना है वो खुशखबरी शेयर कर रहा है। The good news was about Jesus. और वो खुशखबरी यीशु के बारे में। He said Jesus will come. वो कहता है कि यीशु आएंगे। He is much more powerful than me. और वो कहता है कि वो मेरे से ज्यादा सामर्थ्यवान है। My friends, that power John didn't mention and mean that it's a power of physical your arm. और muscle power. उस सामर्थ का मतलब शारीरिक सामर्थ्य नहीं। He didn't ask about the power of money. और वो ये नहीं कह रहा, पैसों की सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा। He didn't mean that Jesus has more authoritative power in government, Roman government. और वो ये नहीं कह रहा है कि जो उस समय की रोमी सरकार थी उसमें यीशु का सामर्थ्य है। John said he has much more power of heaven. वो लेकिन यूहन्ना के कहने का मतलब था कि यीशु के पास ज्यादा सामर्थ्य है स्वर्ग के लिए। That's power of love. वो है प्यार की ताकत। Power of forgiveness. क्षमा करने की शक्ति। Power of encouraging people. और दूसरों की हिम्मत बढ़ाने की शक्ति। My friend, Jesus is staying with you now. मेरे दोस्तों, यीशु आज आपके साथ हैं। I ask you, believe him. मैं आपसे कहता हूं कि उस पर भरोसा करें, उसे पर विश्वास करें। Go to him. उसके पास जाएं। Then you don't need to afraid anything. तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। You don't need to be tired to prepare the future. और आपको अपना भविष्य तैयार करने के लिए अभी इतना ज्यादा थकने की जरूरत नहीं। He will guide your footsteps on good way. वो आपके कदमों को मार्गदर्शन देंगे अच्छे रास्ते पर चलने के। And anytime when you open the Bible, when you open your ears to the heavenly news, you will be happy.
और जब जब भी आप अपने कानों को अपनी आंखों को स्वर्गीय खुशखबरी के लिए खोलेंगे तो आप खुश रहेंगे। You don't need to find any more alcohol drinking to make yourself delight. और आपको शराब पीने की जरूरत नहीं अपने आप को खुश करने के लिए। Because there is much more delight and joy giver, Holy Spirit be with you. और जो उससे भी ज्यादा अधिक खुशी देता है पवित्र आत्मा वो आपके साथ है। So my friends, let me pray for you about this. तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा इस चीज के बारे में। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, please keep your promise upon us. पिताजी आप अपने वादों को हम पर पूरा करें। You say this, we don't need to worry about anything. आपने कहा कि हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। Please comfort our upset and worried heart. आप हमें हिम्मत दें ताकि हम अब चिंताओं को अपने दिल से निकाल सकें। Also, Father, let us be filled with the news of heaven, good news of heaven. प्रभु जी स्वर्ग की खुशखबरी हमें सुनने के लिए दें। So we can be happy and delight ourselves first. ताकि हम खुश हो सकें हैं, खुश हो सकें और अपने आप को अच्छा रख सकें। Oh, and also let our family member be delight because of our good news. और हमारे परिवारों को भी अब मदद करें ताकि इस खुशखबरी के जरिए वो खुश रह सकें। And don't let us stop there and also make delight and happy all the people around of us, including cousins and even our enemies. हमारी मदद करें ताकि हम वहीं ना रुके बल्कि आगे आने वाले और दूसरे लोगों को और रिश्तेदारों को भी खुश रख सकें। Father, we give thanks to you because you've given us this great news. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें ये खुशखबरी सुनने का मौका दिया। Father, you said Jesus will be with us. और आपने कहा कि यीशु हमारे साथ हैं। Now we believe he is with us. और हम अभी विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। Help us be happy in him. हमारी मदद करें ताकि हम उसमें खुश रह सकें। We pray in his name. यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं। Okay, my friends, see you next week. आपको अगले हफ्ते मिलते हैं। And have a nice weekend. और आप सबका ये वीकेंड अच्छा जाए। Bye-bye.